जीत गुड इवनिंग मंजू गुड इवनिंग शपना गुड इवनिंग तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे यूनिक फैक्ट्राइजेशन डोमेन के बारे में जैसा मैंने बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इरोड्यूसिबल पॉलिनोमिल के ऊपर ठीक है श्वेता गुड इवनिंग

आप एफ ऑफ एक्सलस टू और ओबर का भी बहुत फर्क पड़ता है कि किस फील्ड में या फिर किस रिंग में आप देख रहे हो ठीक है ना जैसे पहला एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस टू अब एक्स स्क्वाइनस टू को अगर आप क्यू में इसको, इसको स्प्लिट करना चाहो दो पार्ट्स में ब्रेक करना चाहो दो पार्ट्स या फिर दो से ज्यादा यू कैन से बट यहाँ पे अगर आप देखोगे दो में ही राइट दो में अगर आप ब्रेक करना चाहते हो उसको एक्स स्क् माइनस टू को क्या आप क्यों में ब्रेक कर सकते हो मतलब दो पोलिनोमल ऐसे एग्जिस्ट करें ताकि उनका प्रोडक्ट करने पर एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाए नहीं कर सकते आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस टू को ऐसे लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल्स टू वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू या फिर माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स स्क्त बस इतना भी तरीके से आप ब्रेक नहीं कर सकते तो माइनस टू ओवर क्यू कैसा हो गया इ हो गया अब इसको कैसे वेरीफाई करना है वो भी आप क्राइटेरियन से इसको वेरीफाई कर सकते हो कि रिड्यूसिबल हा सच में होता है ऐसे आप इसके फैक्टर भी नहीं कर सकते ओवर क्यू पर अगर इसी पोलिनोम एक्स स्क्वायर माइनस टू को

ये भी एक नॉन यूनिट एलिमेंट है ये भी एक नॉन यूनिट एलिमेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एफ ऑफ एक्स है आपका आर में रिड्यूस हो जा रहा है तो दिस पॉलिनोम एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इड्यूशबल ओवर क्यू वाइल इट इज रिड्यूसिबल ओवर आर ठीक है गुड इवनिंग रेखा एंड गुड इवनिंग एवरी वंश अगेन जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें एफ आफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ओवर सी एंड ओवर आर और इसको uh, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन कर लेते हैं ठीक है थेके? वो तो सेम हो जाएगा लेट मी डू इट एक्स स्क्वायर प्लस वन लेट सी आगे पेज खा लिए क्या एक एक, एक सेकेंड दो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन के बारे में आप सोचो कि ओवर आर और ओवर सी दोनों में हम क्या बोल सकते हैं किसमें रिड्यूसिबल है किसमें ई रिड्यूसिबल है सोचिए फिर बताइए आप ब्रेक करना चाहते हो तो ये ब्रेक हो ही नहीं सकता दो पार्ट में आप ब्रेक करना चाहते हो तो ये कैसे भी करके ब्रेक नहीं होगा अगर ब्रेक हो भी रहा है तो एक यूनिट बन जाएगा एलिमेंट राइट और इसको सी में हम क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं एक्स प्लस आई इन टू एक्स माइनस आई ऐसे हम लिख सकते हैं दिस इज इन सी एक्स राइट दिस पोलिनोम इज ऑल्सो बिलोंग टू सी एक्स क्योंकि पोलिनोम सी एक्स में है सी so एक्स में जाके हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर पा रहे हैं अबाउट इंडिया यू आर राइट सो इट इज रेड्यूसिबल ओवर सी बट इट इज इड्यूसिबल ओवर आर ये इेड्यूशिबल ओवर आर है आर में इसको आप नहीं रिड्यूस कर सकते दो पार्ट में आप ब्रेक करके दिखाओ आर में ताकि दोनों ही कैसे हो नॉन यूनिट एलिमेंट्स नहीं क्लियर तो ये ये है।, तो, है कम से कम आपको डेफिनेशन क्लियर होगा बाकी कैसे चेक करना है वो सारी चीजें हम लोग आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है

लिख लिया हमने अब ये ये दोनों ही फैक्टर अगर देखा जाए तो ये Qx के भी हैं और ये भी, ये belongs to Qx भी है कोफिशिएंट इसके क्यू में भी है और जेड में भी है और जेड एक्स दोनों में है वैसे अगर देखा जाए तो क्यू एक्स में भी इसके फैक्टर हो रहे हैं दो फैक्टर में ब्रेक हो रहा है Q में ये क्या है इट इज एनिट टू इजनिट इज एन क्यू एक्स राइट क्यू एक्स में क्या बन जा रहा है ये बन जा रहा है। इसलिए Q में और फर्दर तो इसको वैसे भी रिड्यूस नहीं कर सकते दो पार्ट्स में यही कर सकते थे टू क्या बन गया यूनिट बन गया इसका मतलब इबल ओवर Q है वो लिखा भी है आगे इ ओवर Q है क्योंकि Q में अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो एक यूनिट बन जा रहा है पर अगर आप जेड एक्स में देखोगे जेड में देखोगे तो ना तो ये यूनिट है ना ही ये यूनिट है टू यूनिट होता है क्या जेड में नहीं होता है ना? है ना रिंग थ्योरी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ठीक है अभी तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस नहीं कर रहे हैं टॉपिक्स पढ़ रहे हैं लास्ट वाला कल का जो लेक्चर है उसमें हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे नेक्स्ट वीक या फिर उससे आगे वीक में जो भी लेक्चर सीरीज आएगा तो उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक है

रिड्यूसिबल है तो वो जरूरी नहीं कि क्यू में इ हो अगर जेड में रिड्यूसिबल है या फिर अगर क्यू में इ है तो वो जरूरी नहीं कि जेड में इ हो अगर कोई क्यू में इ है तो वो जरूरी नहीं आर में इड्यूसिबल हो उसका भी आपने एग्जाम्पल देखा टू इज यूनिट इन क्यू हाउ टू इज एस यूनिट इन क्यू बिकॉज इज द इनवर्स ऑफ टू एंड वन बाई टू बिलोंग्स टू रेशनल तो टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्यू में है इसलिए यूनिट है और टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन बाई टू होता है इट इज नॉट इन साइड जेड जेड में नहीं है इसलिए Z में यूनिट नहीं है ठीक है क्लियर है और कोई डाउट है तो बताइए ओके okay. तो ये सारी चीजें क्लियर है कि अगर कोई Q में रिड्यूसिबल है वी कैन नॉट से दैट में रिड्यूसिबल होगा अगर क्यू में है वी कैन नॉट से दैट कि वो आर में भी रिड्यूसिबल होगा अगर आर में रिड्यूसिबल है वी कैन नॉट से दैट कि वो सी में रिड्यूसिबल होगा सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं राइट right? जैसे ये पीछे वाला एग्जाम्पल आपने एक ये देखा ये पॉलीनोमीयल x2 2 ये q में इररिड्यूसिबल था पर r में नहीं हुआ r में रिड्यूस हो गया ये वाला x2 1 ये आपका r में इररिड्यूसिबल था r में था पर c में नहीं हो पाया इररिड्यूसिबल इररिड्यूसिबिलिटी r में है तो c में आप नहीं बोल सकते r, q में है तो r में नहीं बोल सकते q में है तो z में भी आप नहीं बोल सकते राइट पर कुछ चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं समझ सकते हैं जिससे जैसे If F of X is over Q, अगर कोई पॉलिनोमियल क्यू में इरेड्यूसिबल है then हम बोल सकते कि वो जेड में भी इेड्यूसिबल होगा माइनस वन होगा, होगा? अगर उस पॉलिनोमियल में वन और माइनस वन के अलावा कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलता है ठीक है कोई पॉलिनोमियल आपको दिया है इवर क्यू है

2X square plus 4. ये ओवर है पर ओवर इड्यूसब क्यों नहीं हो पाया क्योंकि इसमें टू और माइनस सॉरी वन और माइनस वन के अलावा आपको टू कॉमन मिल रहा था टू यहां पे क्या हुआ कॉमन मिल गया एक्स स्क्स हो गया अगर वन और माइनस वन के अलावा कुछ भी नहीं कॉमन मिलता है तब इ रेड्यूसीबल हो जाएगा अगर कॉमन मिल रहा है तो फिर इ रेड्यूसिबल नहीं हो पाएगा और ये बहुत आसान है समझना क्यों नहीं हो पाएगा अगर वन और माइनस वन के अलावा अगर कोई ए आपको ऐसे कॉमन मिल जाए तो ये जो ए है ये नॉन यूनिट बन जाएगा ये नॉन यूनिट बन जाएगा किसमें नॉन यूनिट इन जेड जब ये नॉन यूनिट इन जेड बन जाएगा तो एक फैक्टर ये हो गया एक जीएक्स हो गया तो क्या हो गया रिड्यूस हो गया ठीक है कोई भी अगर इ इन क्यू है तो इ इन जेड भी हो जाएगा प्रोवाइडेड कोई भी वन और माइनस वन के अलावा फैक्टर नहीं कॉमन आना चाहिए ठीक है उम्मीद है क्लियर है कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं जैसे यहां पे लिखा है

ए टू एक्स स्क्वायर अप टू एन एक्स टू दावर एन ठीक है बिलोंग्स टू जेड एक्स जेड एक्स कांग्रेस इन क्यू एक्स इज इिड्यूसब इिड्यूसिबल ओवर क्यू कैन से ओवर क्यू और यू कैन ऑलसो से दट इन क्यू एक्स एक ही बात है right? so,

और p आपका लास्ट वाले को डिवाइड नहीं करना चाहिए जो हाईएस्ट डिग्री का काफिशियंट है एंड p नॉट डिवाइड्स को डिवाइड नहीं करना चाहिए उसके साथ एक और कंडीशन क्या है कि अगर मैं p स्क्वायर स्क्वायर कर दू, कर दूं दूं तो ये जो कांस्टेंट कोफिशेंट है उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए p स्क्वायर नॉट डिवाइड्स डि एरो बस यही रिड्यूसिबल क्राइटेरियन है ठीक है गुड इवनिंग शुभम अगर कोई आपको पॉलिनोमल इस तरीके का दिया है जेड एक्स में तो वो ओवर क्यू हो जाएगा अगर एक भी प्राइम आपको ऐसा मिल गया जो सारे कोफिशियंट को डिवाइड करता है एक्सेप्ट द हाइएस्ट डिग्री कोफिशियंट और अगर मैं प्राइम का स्क्वायर कर दूं तो वो कांस्टेंट कोफिशेंट को डिवाइड नहीं करता है अगर ऐसा प्राइम हमारे पास है कम से कम एक भी प्राइम देन बी से दैट इट इज रेड्यूशल ओवर क्यू अब इ ओवर क्यू है तो जेड में तो हम देख ही सकते हैं कैसे होगा वो मैंने आपको समझाया है अभी एग्जाम्पल देखो ये वाला यहाँ पे

टू डिवाइड्स फोर एंड टू 6 आल्सो उसके बाद टू आपका वन को डिवाइड नहीं करना चाहिए वो नहीं कर रहा है राइट right? अगर मैं टू का स्क्वायर कर दू टू इक्वल टू फोर फोर हमारा किसको डिवाइड नहीं करना चाहिए नॉट डिमियल बिकम्स ओवर क्यू क्लियर है किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो क्राइटेरियन कम से कम आपको पता होना चाहिए रिड्यूसिबिलिटी के लिए ठीक है स क्राइटेरियन क्लियर है अगर क्लियर है तो मुझे बताओ जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये पॉलिनोमिल जो है इ ओवर क्यू है इल ओवर जेड भी हो जाएगा क्योंकि इसमें वन कॉमन माइनस वन के अलावा कुछ कॉमन नहीं है उम्मीद है सबको क्लियर है ठीक है चलिए तो आईस क्राइटेरियन हो गया इसके साथ में कुछ और पॉइंट हैं आईसटेंस क्राइटेरियन के साथ में मैं वो भी आपको बता देता हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इ चेक करने में ठीक है देखो अगर कोई पॉलिनोमियल ठीक है अच्छी बात है क्लियर है अगर कोई पॉलिनोमियल आप कंसिडर करते हो लेटमी से एफ ऑफ एक्स ठीक है बिलोंग्स टू फॉर सम फील्ड लेट मी कंसिडर एफ एक्स एंड ए बिलोंग्स टू एफ जीरो ए बिलोंग्स टू ए कोई आपका फील्ड का ही नॉन जीरो एलिमेंट है तो अगर एफ ऑफ ए एक्स एफ ऑफ ए एक्स इज इरेड्यूसेबल एफ ऑफ ए एक्स

एंड अगर एफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स अगर ये इरेड्यूसिबल है ये आपको यूज करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये यूजफुल है आपके लिए ठीक है F. अगर ए इंटू एफ आफ एक्स इज इड्यूसिबल इम्प्लाइज दैट एफ आफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर एफ अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ए इड्यूसिबल है इम्प्लाइज दैट एफ आफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर एफ अगर एफ आफ ए एक्स इड्यूसिबल है तब भी एफ ऑफ एक्स इड्यूसिबल हो जाएगा अब अगर अगर है, है, तब तब भी भी हो हो जाएगा। जाएगा। इसका यूज करके आप बहुत सारे पॉलिनोम रिड्यूसिबल होंगे होंगे गुड इवनिंग शुभ ठीक है क्लियर है बहुत अच्छी बात है मंजू एस एस सी क्लासेस सागर है नजीत ठीक है फाइन देखते हैं इसका यूज करके जैसे सबसे पहले आता है साइक्लोटोमिक पॉलिनोम साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल्स आर इरिड्यूसिबल उनको हम इससे ही प्रूफ कर सकते हैं साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल्स कैसे होते साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल इस टाइप के पॉलिनोमियल को साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए जी सॉरी नॉट ए जीरो वन प्लस

अगर आप सिंपली पहले कंसीडर करोगे एफ आफ एक्स इक्वल्स टू वन प्लस एक्स लेटमी से वन प्लस एक्स प्लस एक्स ये ले लो आप ठीक है वन प्लस एक्स प्लस एक्स अगर आपको प्रूफ करना है क्योंकि थ्री माइनस वन लोगे तो टू तक जाएगा टू प्राइम अगर थ्री लोगे तो यहां तक जाएगा अगर इसको आपको दिखाना है कि इट इज इड्यूसिबल ओवर क्यू तो आप क्या कर सकते हो एफ आफ एक्स प्लस वन निकालो एफ आफ एक्स प्लस वन जब आप निकालोगे तो वन हमारा क्या है अगर आप पोलिनोम इसको कहां का जेड एक्स का ले रहे हो राइट right? और ठीक है क्यू एक्स का आप कंसिडर कर सकते हो कि क्यू एक्स का यह पॉलिनोमियल है फील्ड हो जाएगा क्यू हमारा तो जो हमें वो सेटिस्फाई हो, हो जाएंगी वन हमारा क्या है क्यू का एलिमेंट हो गया विच इज ए नॉन जीरो एलिमेंट तो ये जब आप निकालोगे एफ ऑफ एक्स प्लस वन इसमें आइसेंसटिश क्राइटेरियन लग जाएगा आइसेंटि क्राइटेरियन से ये इड्यूसिबल हो गया इंप्लाइज दैट ये इड्यूसिबल हो जाएगा ठीक है दिस इज हाउ यू कैन प्रूव जब ये हो गया तो आप थ्री के बाद में फिर फोर ले सकते हो फाइव जब प्राइम लोगे तो फोर तक जाएगा तो उसके लिए ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो ओके तो ये आ, आपका साइक्लोटो पोलिनोम पॉलिन, इेड्यूसिबल हो गया इस पॉलिनोम में और थोड़े चेंजेस कर सकते हो अगर अल्टरनेटिव प्लस माइनस हो तब भी इ हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि अगर इसको माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तब भी वो आपका क्या होगा इ रिड्यूसिबल आएगा अगर इसमें आप सारे माइनस कर दोगे तब भी वो इ रिड्यूसिबल ही रहेगा ठीक है ये अभी Questions आगे आपको दिखेंगे उनमें यूज होगा तो इसका ध्यान रखिएगा ठीक है शुभ मैं कोशिश करता हूं <laughs> कंप्लीट करा पाएंगे या नहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं इस वीक में मैं लेके आया नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे जो और टॉपिक्स रह जाएंगे नेक्स्ट एफ जब भी लेक्चर सीरीज आएगा तो उसमें मैं वो आपको कंप्लीट करवा दूंगा ठीक है तो ये इरेड्यूशिबुल हो गया इन

ये आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लेट मी से इज आर इज आर इ ओवर जेड इनमें से कौन से पॉलिनोमल्स इ है ओवर जेड बताइए सबसे पहला पॉलिनोमियल देखे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अब क्या इसमें आई क्राइटेरियन लग जाएगा बिल्कुल लग जाएगा और कौन सा प्राइम आप कंसीडर करोगे p इक्वल्स टू फाइव कर लो दिस इज इ राइट इ रेड्यूशिबल ओवर क्यू हो गया और इ ओवर जेड भी हो जाएगा क्यों क्योंकि कोई वन माइनस वन के अलावा इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है सो इट इज बाय बाय क्राइटेरियन क्राइटेरियन एंड वी विल कंसीडर प्राइम P इक्स टू फाइव इसको फाइव फाइव इसको डिवाइड कर रहा है इसको नहीं करना चाहिए आई डिग्री कोफिशियंट को नहीं कर रहा है अगर पी का स्क्वायर कर दूं तो कॉन्स्टेंट कोफिशियंट को नहीं डिवाइड करना चाहिए नहीं कर रहा है सो इट इज

None of these तो गलत हो ही जाएगा सो ऑप्शन ए बी सी आर द करेक्ट ऑप्शन हैं जिनसे इ आप चेक कर सकते हो जैसे पहला पॉइंट क्या है अगर कोई भी डिग्री वन का पॉलिनोम तो कैसा होता है इ होता है ओवर एफ ठीक है इफ एफ इज ए फील्ड एंड एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू एफ एक्स ठीक है इस पॉलिनोम रिंग में है पॉलिनोम है वो हमेशा इ होता है जैसे फॉर एक्साम्पल टू एक्स प्लस सिक्स आप अगर क्यू एक्स में ले लो तब भी है Rx में राइट भी भी right? पर अगर आप इसको एफ को फील्ड नहीं लेते हो तो डिग्री वन का पॉलिनोम जरूरी नहीं कि वो इ रिड्यूसिबल होगा पी ए एंड सी आर सेम ओके ठीक है तो इसकी अगर बात करें अगर एफ हम फील्ड नहीं लेते इफ इज़ नॉट ए फील्ड देन रिजल्ट नीड नॉट बी ट्रू तो डिग्री वन का पॉलिनोमियल इड्यूसिबल होना जरूरी नहीं है जो कि अभी आपने एग्जांपल देखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस सिक्स इज रिड्यूशुबल इन जेड इट इज नॉट इ रिड्यूशबल इन जेड बिकॉज जेड इज नॉट ए फील्ड क्लियर है ठीक है

डिग्री टू या टू से बड़ा पॉलिनोमल हमेशा होता है है और इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत हो राइट अगर आप जेडेक्स का कोई पॉलिनोमेल ले रहे हो जिसके कोफिशियंट कैसे इंटीजर्स हैं तो उसके जितने भी रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स ही तो आएंगे तो वो क्लियरली अगर टू डिग्री का है तो वो कॉम्प्लेक्स में जाके तो स्प्लिट हो ही जाएगा ना फैक्टर्स में तो रिड्यूस हो जाएगा सिंपल सी बात है तो अगर कोई भी डिग्री पोलिनोम जो कि डिग्री टू या टू से बड़ी डिग्री का है वो हमेशा सी में जाके कैसा हो जाता है जैसे एक्स स्क् माइनस थ्री इज रिड्यूशिबल ओवर सी कुछ करना ही नहीं है एक्स स्क् माइनस थ्री विल श्योरली बी रिड्यूशिबल इसका रूट क्या देंगे एक्स प्लस रूट थ्री आई तो जब आप फैक्ट्राइज करोगे तो आप क्या देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट थ्री आई एक्स माइनस रूट थ्री आई रूट थ्री आई अब ये जो दोनों सी एक्स में है ये भी बिलोंग्स टू सी एक्स है ये भी Cx, Cx का ये Cx, right? और दोनों ही कैसे नॉन यूनिट है तो दो फैक्टर में हो गया तो कोई भी पॉलिनोम टू या टू से बड़ी डिग्री का हमेशा सी में जाके रिड्यूस हो जाता है अगर वो जेड एक्स का पॉलिनोम है तो ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एफाफेक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स एंड डिग्री ऑफ एफाफेक्स इज ग्रेटर देन देन इज ऑलवेज रिड्यूसिबल ओवर आर एंड इट शुड बी इट इज राइट थ्री या थ्री से बड़ा डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वो आर में भी हमेशा रिड्यूस हो जाता है इसको भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है देखो कैसे डिग्री टू के लिए हम नहीं बोल सकते डिग्री वन का तो हमें पता ही है कि आर में रिड्यूस रिड्यूसिबल होता ही है डिग्री टू के बारे में हम नहीं बोल सकते कि डिग्री टू का पॉलिनोमियल आर uh, में रिड्यूस होगा या नहीं उसका एग्जाम्पल यही आपने देखा एक्स इट इज इन इन आर ओके राइट ये रिड्यूसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं राइट तो रिड्यूस हो जाएगा डिग्री टू का इेड्यूसीबल पॉलिनोमियल हो सकता है पर डिग्री टू से बड़ा अगर कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हो तो आर में भी रिड्यूस हो जाता है देखो कैसे होता है अभी एक्सप्लेन करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री

तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट में आते हैं राइट right? तो एक रूट आपको मिल जाएगा रियल रूट एक रियल रूट हो गया मतलब एक आपको नीचे भी मिल जाएंगे वो रूट uh, टेस्ट जिसको बोलते हैं अगर किसी भी डिग्री का पॉलिनोम आप जेडिक्स का कंसीडर करो अगर एक भी रूट है आपके पास तो वो कैसा हो जाता है जिस भी फील्ड में पूछा गया जैसे आर में पूछा गया है आर में अगर एक भी रूट है तो वो रिड्यूसिबल हो गया के के लिए के लिए रूट टेस्ट जरूरी नहीं कि अगर कोई रूट नहीं है तो आप बोल सकते हो वो के लिए बोल सकते हो? डिग्री टू तक के तो डिग्री थ्री तक के के लिए। वो अभी हम बात करेंगे देखो अगर कोई भी डिग्री थ्री या थ्री से बड़े का पॉलिमियल है तो उसके रूट कैसे होंगे या तो रियल होंगे कॉम्प्लेक्स अगर रियल कोई भी रूट आ गया तब तो वो रिड्यूस हो ही गया

कोई भी अगर तीन या तीन से बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल है वो हमेशा आर में रिड्यूस हो जाता है इसको आप मल्टीप्लाई करा के देखिए क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा वार इन एक्स राइट एंड उसके बाद में क्या मिलेगा प्लस अल्फा अल्फा वार राइट अल्फा अल्फा वार ये पॉलिनोमियल मिला नाउ दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इज वट टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा राइट इन प्लस स्क्वायर एक रियल बन गया कि नहीं बन गया एक रियल फैक्टर बन जाएगा जाके पॉलिनोम मतलब तीन तीन से बड़ी डिग्री का कोई ये क्वेश्चन है x x 4 1 अगर ये आपको पता है तो इसको कुछ आपको फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर का है तो श्योरली इट विल रिड्यूस इन साइड आर तो आर में जाके रिड्यूस हो ही जाएगा कुछ भी फैक्टर हो वी डू नॉट नो और चार डिग्री का है तो रिड्यूस हो ही जाएगा टू फैक्टर्स so, right, uh, इन आर एक्स ए भी आर एक्स का पोलिनोम है ए भी आर एक्स का पॉलिनोम एक बार चेक कर लीजिएगा आई थिंक सो so, यही आएंगे फैक्टर इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको ये मिल जाएगा और ये दोनों नॉन यूनिट्स हैं तो ये रिड्यूस हो गया

कोई ना कोई फैक्टर्स बन ही जाएंगे दो पार्ट्स में जो कि नॉन यूनिट्स होंगे सो यू कैन इजीली चेक दैट इसके बारे में बात करें अगर एक्स क्यूब प्लस माइनस सिक्स एक्स प्लस ओवर जेड क्या रिड्यूसिबल है या फिर इ है अब इसको ओवर जेड पूछा गया है तो ओवर जेड के लिए आप क्या कर सकते हो इसको आप बताना चाहोगे कोई आंसर करेगा मुझे वॉट अबाउट दिस इज इट इरेड्यूसिबल ओवर जेड आर नॉट विधर इट इज इड्यूसिबल आर रिड्यूसिबल एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री ओवर पूछा गया है कोई बताएगा जल्दी से इट इज इन रिड्यूसिबल बताइए जल्दी से इट इज इबल एंड वाई इज रिड्यूसिबल यूर राइट अबाउट इंडिया बाकी लोगों को भी कमेंट करके बताना चाहिए इट इज इड्यूसिबल बिकॉज बाई क्राइटेरियन इट इज ओवर क्यू है ना अगर मैं प्राइम पी को थ्री ले लूंगा तो थ्री जो भी क्राइटेरियन की कंडीशन है वो सारी सेटिस्फाई कर देगा इट इज ओवर क्यू और चूंकि वन माइनस वन के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है so Z रेखा राएट, राएट, ना बाई क्राइटेरियन अबाउट इन राइट इबल एस एस सी क्लास राइट एम टू मैथ्स राइट थ्री आ, ओके प्राइम थ्री कंसिडर करेंगे यूर राइट ओके

एक भी रूट हो गया किसी भी डिग्री के लिए आप बोल सकते कि right? it and M maths, I say, हो जाएगा ठीक है यह भी ध्यान रखो किसी भी डिग्री का पॉलिनोम दिया हो आपको एफेक्ट्स में अगर एक भी रूट हो गया तो वो रिड्यूसिबल हो गया एक्सेप्ट वन डिग्री राइट एक्स स्क्वायर प्लस वन के रूट्स क्या होंगे स्वे हम लोग वही प्यारे एक्स स्क्वायर प्लस वन आपको अभी दिख जाएगा एग्जांपल में एक्स स्क्वायर माइनस वन इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू एक्स स्क् माइनस वन ए रिड्यूसिबल ओवर क्यू है अब इसमें रूट टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हो डिग्री टू का है वन का नहीं है अगर आप एक्स इक्वल्स टू वन रखोगे तो एक्स इक्वल्स टू वन पे पॉलिनोम माइनस वन तो आप एफ ऑफ वन निकालोगे तो क्या होता है जीरो हो आ रहा है वॉट डज इट मीन वन इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इन क्यू सो इट इज रिड्यूसबल इन क्यू ठीक है डिग्री डिग्री क्या है रूट आ गया तो भी रिड्यूशल uh, समझा नहीं हाँ वन डिग्री राइट यूर राइट जाधव वेरी गुड तो वन डिग्री का भी अगर है रूट हो गया तो वो भी बोल सकते हो वन डिग्री का अलग क्यों रखना राइट right? यहाँ पे वन डिग्री अगर मैंने हटाया है क्या राइट इट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू या फिर किसी भी डिग्री का पॉलिनोम वन डिग्री का है तो रिड्यूस करके कहा लेके जाओगे इट शुड बी ग्रेटर देन वन राइट वन डिग्री का अगर रूट में है तो उसको क्या रिड्यूस करोगे आप यू कैन नॉट रिड्यूस इट अगर मैं लेट से ये ले लेता हूं बी ले केयरफुल so ये आपका माइनस वन इसका रूट है बट इट इज इेड्यूसेबल वन डिग्री का हमेशा इ होता है ठीक है तो वो रिड्यूस नहीं होगा रूट हो या फिर ना हो है ना इसीलिए मैंने शायद ग्रेटर देन वन लिखा है तो ध्यान रखिएगा इसका

जो तो अगर किसी पॉलिनोमिल के पास कोई रूट नहीं है तो हम बोल देते हैं कि वो इड्यूसिबल होगा ऐसा नहीं है वो हम किसके लिए बोल सकते हैं? डिग्री टू या थ्री के लिए टू और थ्री से बड़ी डिग्री के किसी पॉलिनोमिल के लिए नहीं बोल सकते अब तू के लिए बोल सकते वो यहां पे आपको दिख जाएगा इफ एफ बिलोंग्स टू एफ विद डिग्री ऑफ डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू थ्री एंड एफ ऑफ एज नॉट इक्वल टू f.

क्या इस पॉलिमिल के पास कोई भी रूट आर में है कोई भी रियल प्लस माइनस आई कॉमा प्लस माइनस आई बेसिकली आई कॉमा आई कॉमा माइनस आई कॉमा माइनस आई ये रूट्स हैं आपके है ना सारे रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं बट स्टिल इट इज रिड्यूसिबल क्योंकि ये चार डिग्री का है तीन डिग्री का होता तो कर देते हम

तब वो इ हो जाएगा इनको आप अगर विजुलाइज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है राइट दो डिग्री का तीन डिग्री का अगर है ठीक है और कोई भी रूट नहीं है अगर कोई रूट नहीं है तो उसके पास वन डिग्री का तो फैक्टर हो नहीं सकता जब तो वन डिग्री का कोई फैक्टर नहीं हो सकता तो वो क्या हो गया इ हो गया पर चार या चार से बड़े डिग्री में क्या है वन डिग्री का फैक्टर अगर नहीं भी होगा हो सकता है टू डिग्री का हो जाए थ्री डिग्री का फैक्टर हो जाए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना इसलिए रूट टेस्ट केवल डिग्री थ्री तक के लिए अप्लाई करना है अगर कोई रूट नहीं है देन इट इज रेड्यूसेबल अगर चार पांच डिग्री का है तो उसमें हम रूट टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते देखिए एग्जाम्पल लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन इज इरेड्यूसेबल ओवर जेट टू इजिली कैन सेट ओवर जेट टू वाई इट इज रिड्यूबल ओवर जेट टू

तो अगर आप F of 1 निकालते हो, तो F of 1 देखो कितना आएगा? करेंगे, रूट ऑफ दिस पोलिनोम इन जेड फाइव जेड फाइव में इसका एक रूट है राइट right? इसका मतलब Z5 में रिड्यूसिबल है Irreducible हो ही नहीं सकता इट इज रिड्यूसिबल ठीक है तो रिड्यूसिबिलिटी के लिए किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो अगर रूट है तो वो रिड्यूसिबल है इन e के लिए डिग्री टू या थ्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए और कोई भी रूट नहीं होना चाहिए उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कोई भी कंफ्यूजन अगर इसमें है तो पूछ लो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है नेक्स्ट इफ एफ ऑफ एक्स बिलॉन्ग टू एफ ऑफ एक्स विद डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू फोर एंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन देन एफ ऑफ एक्स मे आर मे नॉट बी रिड्यूसिबल ओवर एफ ये मैं बहुत देर से यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ना, है ना चार या चार से बड़े डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है और एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है देन इट मे बी रिड्यूसिबल मे नॉट बी रिड्यूसिबल जिसका मैंने एग्जांपल भी दिखाया था आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इसके पास कोई भी रूट नहीं है राइट पर ये चार डिग्री का है इसलिए ये रिड्यूशल ओवर जेड हो पा रहा है ठीक है फाइन जैसे ये और भी एग्जाम्पल लिखा है एक्स टू दावर फोर प्लस एक्सर प्लस टू जेट टू एक्स इज नॉट ओवर अगर आप नोटिस करोगे इसमें तो इसके पास कोई भी रूट नहीं है देखो एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो वन एफ ऑफ वन निकालोगे तो वन प्लस वन प्लस वन थ्री मॉड्यूलो टू इज इक्वल टू वन तो जीरो और वन दोनों ही इस पॉलिनोमल के रूट नहीं है राइट बट स्टिल दिस इज रिड्यूसिबल वाइट बिकॉज़ डिग्री चार का है अगर तीन तक का होता तो हम बोल देते चार का है ये रिड्यूस हो जाएगा देखो कैसे होगा एफ स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा करा के देखो आप कराओगे तो आपको क्या मिलेगा एक्स टू दावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका कराएंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस

तीन से बड़ा कोई पॉलिनोमल है कोई अगर रूट नहीं भी है तब भी वो रिड्यूसबल हो सकता है है ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और रिजल्ट्स है जिनको देखो ये रिजल्ट भी बहुत अच्छा रिजल्ट है ये रिजल्ट एक्चुअली क्या बताता है कि अगर फाइनाइट फील्ड पे कोई इ है पोलिनोमल तो वो क्यू पे हम कब बोल सकते हैं इसलिए क्योंकि फाइनाइट फील्ड पे कभी कभी चेक करना बहुत आसान है जैसे जेट्टू में दो एलिमेंट है तो आप आसानी से चेक कर सकते हो ना कि जेट्टू का कोई रूट है कि नहीं है है ना

और ओवर क्यू निकालो उसका अगर सेम है अगर वो पी में मतलब राइटोमल कंसिडर करता हूं लगमी से टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इस पॉलिनोम का अगर मैं आपसे पूछू कि डिग्री ओवर जेड टू क्या है ओवर जेड टू ये तो जीरो हो गया डिग्री क्या बचा वन डिग्री तो मैं लिखू डिग्री इज इक्वल्स टू वन ओवर जेड टू ओवर जेड टू क्योंकि z2 में तो ये जीरो हो गया ना ओवर जेड टू डिग्री कितना है one, अगर मैं ओवर क्यू आपसे देन डिग्री इट इज टू राइट टू ओवर क्यू ऐसा नहीं होना चाहिए इस तरीके का नहीं होना चाहिए राइट right? अगर मैं कंसिडर करता लेटमी से सिंपली एक्स प्लस वन ए पॉलिनो लेता तो अब इसका डिग्री ओवर जेड पी निकालो जेड टू निकालो जेड थ्री निकालो वनी है ओवर क्यू भी वनी है तो अगर ये इ ओवर जेड टू जेड थ्री किसी में भी है किसी भी पी के लिए तो वो रिड्यूशबल ओवर क्यू भी हो जाएगा अगर एक भी पी आपके पास है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका यूज करके देखो इस एग्जाम्पल को आप कर सकते हो एफ आफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू अब इसमें अगर देखोगे तो आईस क्राइटेरियन नहीं लग रहा है ये आपका साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल भी नहीं है अगर इसको इरेड्यूसिबल प्रूफ करना है तो थोड़ी तो मेहनत लगेगी ना पर इस रिजल्ट से बहुत आसानी से कर सकते हो कैसे कर सकते हो भाई आपके पास फील्ड होना चाहिए फाइनाइट फील्ड जहाँ पे इड्यूसिबल हो एंड इट इज टू आई थिंक टू चेक इसका कोई भी रूट नहीं है और जेड टू में अगर डिग्री भी देखोगे तो इसका सेम है दोनों में राइट डिग्री ऑफ दिस पोलिनोम इज टू ओवर जेट टू ऑल्सो एंड टू ओवर क्यू ऑल्सो ओवर Q में भी टू है ओवर जेड टू भी और ये जेड टू में इरिड्यूसिबल हो गया जेड टू में इरिड्यूसिबल हो गया तो ये Q में भी इरिड्यूसिबल हो गया समझ आया कुछ कमेंट करके मुझे बताओ समझ आया जो मैं बोल रहा हूँ कोई डाउट है कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट करके तुरंत पूछो नहीं समझ आया है ठीक है फाइन तो इसका भी बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है जब भी आपको क्वेश्चन दिखे कहीं पे अगर जेडपी में आप इरेड्यूसिबिलिटी दिखा पा रहे हो तो वो बर क्यू भी इड्यूसिबल हो जाएगा ठीक है बस ध्यान इतना रखना है कि डिग्री ऑफ द दॉलीनोम शुड बी सेम इन साइड द फाइनाइट फील्ड एंड क्यू एज वेल ठीक है डिग्री थ्री आर राइट यू आर राइट डिग्री इट इज थ्री इन बोथ द फील्ड थैंक यू राइट नाउ लेट्स मूव अहेड ये क्वेश्चन देखो इसका आंसर बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर इरिड्यूसिबल ओवर जेड इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं जो इरिड्यूसिबल ओवर जेड हैं ये आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर इरिड्यूसिबल ओवर जेड ये डिग्री लेस देन इक्वल्स टू नेसेसरी नहीं यहाँ पे डिग्री का कोई लेस देन आर इक्वल्स टू नेसेसरी नहीं है वो तो आपको रूट टेस्ट जब अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए यूज करना होगा ना आ, ये ध्यान रखना है जैसे पे आपने के लिए बोल दिया कि क्योंकि रूट नहीं है वो इसलिए क्योंकि डिग्री है वो तो रहेगा ही साथ में जो मैंने आपको बताया है है ना टू एंड थ्री डिग्री के लिए वो तो साथ में चलेगा ही ध्यान रखना है क्यों आपने रिड्यूसीबल ओवर जेट बोल दिया क्योंकि वो थ्री डिग्री का है चार का होता तो नहीं बोल पाते ना ठीक है इसको देखिएगा और इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा कि क्या इसका आंसर आएगा इनमें से कौन से इ रिड्यूसिबल पॉलिनोमेल्स ओवर जेड होंगे अब कई चीजें आप पढ़ चुके हो बहुत सारे रिजल्ट आपको बता दिए मैंने उनका सबका जैसे पहला वाला पॉलिनोमेल है इसको ध्यान से देखो इसमें हम आईसे क्राइटेरियन यूज कर सकते हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते फाइव हमारा प्राइम है इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको कर रहा है इसको नहीं कर रहा है फाइव का स्क्वायर करेंगे तो ट्वेंटी फाइव इसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो बाई आईस क्राइटेरियन इट इज इेड्यूसिबल ओवर क्यू

राइट right? बी और सी के बारे में भी ऐसे ही आप दोनों के बारे में खुद से सोचिए और मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा लेट मी से दिस इज क्वेश्चन नंबर वन इसका आंसर मुझे बताइएगा बी और सी के बारे में एंड कैसे आपने किया थोड़ा सा अगर वो भी बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है थीके? ये आ, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे आई थिंक स्किप करने पड़ेंगे क्योंकि अभी मैंने आपको मैगजिमल और प्राइम आइडियल के बारे में नहीं बताया है मैं फिर भी पढ़ के आपको समझा देता हूँ पॉइंट्स अगर समझ आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है शायद आपको क्वेश्चन भी ऐसा आगे दिखेगा ठीक है कभी अगर आगे टाइम मिला तो हम लोग मैग्जिम आइडियल प्राइम आइडियल पर भी बात करेंगे ठीक है ओके सी दैट क्या क्या आंसर आता है आप लोग ए बी सी आंसर कर रहे हो बाद में कमेंट करके आराम से आंसर करिएगा वीडियो के बाद में ठीक है चलिए ये रिमार्क देख लेते हैं पहला क्या है द आइडियल जनरेटेड बाई समोमियल पी एक्स इज ए मैगजिमल आइडियल इन एफ एक्स और बहुत ज्यादा आज टाइम भी नहीं है हमारे पास नहीं तो मैं शायद एक्सप्लेन कर देता आज ही प्राइम आइडियल पॉइंट देख लो अगर आपको समझ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं आते देन यू कैन स्किप दैट्स आतेकिट आई कैन से है ना तो दिस आइडियल जनरेटेड बाई पी एक्स इज ए मैगजिमल आइडियल इन एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ आइडियल जनरेटेड बाई एफ ऑफ एक्स इज इड्यूसबल ओवर ये आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए दिस पॉलिनोमियल ओवर एफ आइडियल जनरेटेड बाई पॉलिनोमियल इज मैग्जिमल इन एफ एक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज पॉलिनोमियल अगर इ पॉलिनोमियल है तो उसके द्वारा जनरेटेड आइडियल मैग्जिमल आइडियल होगा अगर किसी पॉलिनोमियल से जनरेटेड आइडियल मैग्जिमल है तो वो पॉलिनोमल इेड्यूसिबल होगा इसको ध्यान रखिए नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एफ एफ बी ए फील्ड एंड लेट एफ बी ए फील्ड एंड पी एक्स is an irreducible polynomial over F. कुछ रह जाता है अगर आपको मैग्जिमल आइडियल इफ यू नो दिस आई इज ए मैगजिमल आइडियल तो फिर ये जो अगर पॉइंट समझ गया तो फिर नीचे वाला उससे ही आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ इट इज ए मैगजिमल आइडियल इफ यू नो दिसन दैट्स गुड ओके okay, तो अगर ये पी एक्स आपका इ रिड्यूसेबल है तो आइडियल जनरेटेड बाई पी एक्स मैग्जिमल आइडियल बन गया जब ये मैगजिमल आइडियल बन गया तो क्वेश्चन ट्रिंग क्या हो गया फील्ड हो गया ये पॉइंट है दोनों पॉइंट्स को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा मैक्सिमल और प्राइम आइडियल के बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे ठीक है तो अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे शायद यूज हुआ हो इसलिए मैं बता रहा था क्वेश्चन एक मैं ये कर देता हूँ नेक्स्ट वाला आप सॉल्व करके और फिर उसका आंसर बताइएगा कि क्या है, आएगा कमेंट करके तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर इसको देख लेते हैं पहले जल्दी से इसका क्या आंसर आएगा लेट्स कंसीडर लेट्स कंसीडर द पॉलिनोमियल एक्स वन एक्स लिया उसके बारे में क्या बोल सकते हैं तो आपको बताना है देन एक्स स्क्स इज रिड्यूसिबल इन जेट टू जेट टू एक्स

हाँ, उम्मीद है क्लियर है क्योंकि वो रिड्यूसबल हो गया अगर इन रिड्यूसबल होता तो ये मैग्जिमल होता और रिड्यूशबल हो गया तो बहुत खत्म ठीक है अब ये क्वेश्चन आप अपने आप से करोगे और सॉल्व करके हमें कमेंट में आंसर बताइएगा दिस इज लेट मी से क्वेश्चन नंबर टू दोनों के आंसर आप कमेंट करके बताइए नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दोनों क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे एंड देन केबल क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट लेक्चर में जो भी इस वीक में हमने पढ़ा है उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे ठीक है दिस इज ऑल अबाउट डेज लेक्चर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरी वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ठीक है ताकि आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो कि किस टॉपिक के करने हैं क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है वीक में उस पर तो करेंगे ये क्वेश्चन उसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं क्वेश्चन तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो ठीक है थैंक यू एवरी वन हैप्पी लर्निंग टेक केयर एंड बब वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर वन सगेंड